के कुछ जगह हैं और गुजरात के कुछ एरिया है, और अहमदाबाद सॉरी उत्तर प्रदेश के दो जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों नमस्कार। पिछले 6-7 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, व्यस्तता है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट्स और कॉल के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत बेसब्री से आप लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मैं कोई पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर आपको सारे वीडियो जेन्युइन रहते हैं और सारे वैकेंसी जो हैं उस टाइप के रहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रहते हैं और बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई चार्जेज नहीं देना पड़ता है। हाँ, बशर्ते जो मैं पोस्ट डालता हूँ किसी के पास 10 वैकेंसी है, किसी के पास 20 वैकेंसी है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 2, 4, 5 समथिंग जो भी है, डिपेंड करता है क्लाइंट और एचआर के ऊपर है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर के ऊपर है। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद अभी जो जो बहुत सारे कमेंट्स कॉल मैसेज किए थे उसमें से सबकी क्वेरी थी कि सर कैसे अप्लाई किया जाए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट पर्सन का डिटेल, कोऑर्डिनेटर का नाम नंबर मिलेगा और थोड़ा सा जीडी रहेगा, आप जीडी पे आप कॉल कीजिए, जरूर पढ़ लेना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में है, आप जो वीडियो देखते हैं वीडियो के नीचे जो सब्जेक्ट दिया होता है इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको 3 प्रदेशों यानी महाराष्ट्र के कुछ जगह हैं और गुजरात के कुछ एरिया है और उत्तर प्रदेश के दो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ले लीजिए आप उत्तर प्रदेश, लखनऊ और कानपुर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर थोड़ा बहुत सेल्स का एक्सपीरियंस है तो बेशक आप इस जगह अप्लाई कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, मैं डिटेल दे दूंगा, कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, ग्रेजुएशन करने के अलावा अगर आप फ्रेशर हैं लेकिन एमबीए फ्रेशर है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सैलरी वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। अब दूसरा चाहिए अहमदाबाद, गुजरात। तो गुजरात के 3-4 जो सिटीज़ हैं वहाँ के लिए वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत, और 3-4 हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। सेम प्रोफाइल वहाँ पे भी चाहिए लेकिन ऐसी जगहों पे जो है आपको सेल्स का अनुभव होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैक ऑफिस काम कर रहे हो, किसी अदर प्रोफाइल के लिए काम कर रहे हो तो आपको आपकी सीवी कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं। आपको सीवी पे होना चाहिए कि आपको अनुभव है और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एटलीस्ट रिप्लाई करने के लिए आप जवाब दे सको इंटरव्यू के दौरान, तो ये होना चाहिए। तो आपको यूपी का जो है सैलरी मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है और अहम जो गुजरात का लोकेशन है उसका भी सैलरी मैंने डिस्कस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ठीक है। और मुंबई का आ जाइए, मुंबई का कुछ एरिया है जहाँ पे आपको यहाँ पे सेल्स के लिए लड़के चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बाकी सब में दिया हुआ है बाइक कंपलसरी है, मुझे लगता है कि यूपी और गुजरात का जो लोकेशन है सबके पास बाइक होता है जो अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फील्ड एक्टिविटी करते हैं तो उनके पास बाइक होता ही है और मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इस प्रोफाइल के लिए टर्म कंडीशन यही है कि आपका होना चाहिए बाइक और सेल्स का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। एक एक बात और, अगर आप एमबीए किए हुए हो, फ्रेशर हो तो आप बिंदास आप अप्लाई कर लीजिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं काम करूँगा, तो आप कांटेक्ट कर लेना। दोनों ईमेल आईडी शेयर करता हूँ आपको। सबसे पहले बहुत अननोन कॉल आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉल आ जाते हैं जो कॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ईमेल आईडी शेयर करूँगा, आप सीवी आप कॉपी पेस्ट करके ईमेल आईडी निकाल के आप सीवी शेयर कर देना, ठीक है। ये 3 लोकेशन हो गए बिना किसी चार्ज के, कोई चार्जेज नहीं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट में कोशिश करूंगा कल फिर आपको दूं, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट अपडेट में सर्च करके लेके आता हूँ फिर से।